नोटबंदी और जीएसटी की वजह से काम धंधा तो बिल्कुल बंद हुआ ही पड़ा था। इसके साथ साथ पूरी फैक्ट्रियों की हालत खराब है, जगह जगह सीटिंग, जगह जगह सीटिंग। पिछले कितने सालों से लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, वो सब सीटिंग से सारा धंधा चौपट है। जगह जगह व्यापारी अपनी दुकान बचाने के चक्कर में है, काम धंधा तो छोड़ो। कॉलोनियों में तोड़फोड़, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, हाय हाय जनता कर रही है। लेकिन ये वही बात है कि ये कह रहे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार के लिए केंद्र तो काम नहीं करने दे रहा। दोनों एक दूसरे को जनता को फुटबॉल बना के एक दूसरे के पाले में फेंक रहे, काम कुछ नहीं हो रहा। तो साथियों, केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार से देश की जनता भयानक क्रूर से त्रस्त है। इनको सिर्फ मंदिर, मस्जिद, SC ST इन्हीं चीजों में जनता को झाके रखा हुआ है। और जैसे ही कोई बात बड़ी होने लगती है, हाथ जोड़ते ये विदेश चले जाते हैं और फिर वहां से बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो रिजल्ट जीरो को जीरो। साथियों, पप्पू यादव जी ने, सुभाष बोस जी ने ये जो मुहिम शुरू की है केजरीवाल सरकार के खिलाफ और आने वाले टाइम में मोदी सरकार के खिलाफ, हम लोगों ने इनको कंधे से कंधा मिलाकर साथ मिलकर हाथ पे हाथ पकड़ कर सहयोग देना है, ताकि ये देश में जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं। हमारे भाई साहब ने अभी बताया कि माननीय पप्पू यादव जी की कोठी पे जाके देखे, पीछे एक तरीके से छावनी बनी हुई है गरीब आदमियों की, मरीजों की, मजदूरों की। उनको खाना पीना रहना सब फ्री दिया जाता है। बताइए दिल्ली में कौन सा सांसद ऐसा है जो इस तरह की सुविधा दे रहा है? शायद आपको एक भी नहीं मिलेगा। सरकारी सुविधा तक नहीं मिलेगी, सरकार तक ऐसा नहीं कर रही जो माननीय पप्पू यादव जी अपने घर पे कर रहे हैं, अपने घर पे बिठा के कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार सर्वश्रेष्ठ सांसद का उनको पदक मिला है, सर्वश्रेष्ठ सांसद का उनको उनकी वो सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन ये सरकार के कान पे जूं नहीं लगती। साथियों, लोग बोलने वाले हैं, हमने दिल्ली में इस बार केजरीवाल सरकार को और सेंट्रल में मोदी सरकार को किसी तरह से हटाना है, भगाना है। हमारे पास एक वोट का अधिकार है, बाकी हम अपना गुस्सा वोट के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे निकाल सकते हैं। तो इन दोनों सरकारों को दिल्ली से और केंद्र से नेस्तनाबूद किया जाए और एक अच्छी पार्टी, एक अच्छे सांसद, एक अच्छे प्रतिनिधियों को आगे लाया जाए। धन्यवाद।